तीन ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघ्न ना को लागे जाकी प्रभ आ गए अरदास। अमन प्यार एकता रहे उथे जिथे मिशन है धर्म दे बानिया दा सारे देश दे पले नू सोच जाना कम सूर में भगत ते दानिया दा पिछों पूज दे लोक बहादरां नू रहिंदा नाम है नेक निशानिया दा साम दृष्टि होण दरबार सिंगा एह रुतबा ब्रह्म ज्ञानिया दा एह रुतबा ब्रह्म ज्ञानिया दा अलफ उपरों अंदरों होवे सच्चा तेती जी सच्चे दे नाल परीत होवे सफल हो बना उस ही जिंदगी दा देश सेवा दे बिच बतीत होवे जीनू याद करदा जग रहे मगरों ऐसी आत्मा अमर सुरजीत होवे पिछों दुनिया नूं दरबार सिंगा दस गया प्रेम दी रीत होवे दस गया प्रेम दी रीत होवे। सत्कार जो खालसा जीओ बाजां वाले सतगुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज द्वारा बख्शिया गया फतेह दा नारा करो बुलंद रचना करो पवित्र गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस दीवान विच आपां शहीदां दे सरताज पंजवें सतगुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे ब्याह पुरब दा प्रसंग संगतां नाल सांझा करांगे पर पहला हर एक गुरसिख का फर्ज आ कि जदों भी कोई कार्ज करे अपने सतगुरां दे चरणां विच अरदास बेनती करके शुरू करे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा लेख आ कीता लोड़ीए काम सो हर पै आखी है कार्ज दे सवार सतगुर सत साखी है संतां संग निधान अमृत चाखी है भै भंजन मेहरबान दास की राखी है। आपां गुरु महाराज दे चरणां विच बेनती करिए एक तके आसरा तेरा होर सभे ढाइयां ढेरियां। जिहड़ा जीव अपने गुरु दा आसरा तकदा उहनूं हर मंजिल ते फतेह प्राप्त हुंदी आ। वीर तजिंदर सिंह अते गुरमीत सिंह दीआं आवाज़ां विच ओह कविता जथे पासों बेनती दे रूप विच है इहो सुणो जी। ओट पर बुत कौंदा जेड़ा तेरी ओनू कदे आवे हारना खड़े सभा चित काके ओट तेरी कविता दी सानू सारना खड़े सभा च नेरे हृदय च रोशनी जगा के बदलो लकीरा मेरिया इक तके तकिया आसरा तेरा होर सबे ढाइया ढेरिया इक तकिया हथ बन के खड़ा मैं दर तेरे हथ बन के खड़ा मैं दर तेरे तेरे हथ डोर मालका कौन आऊगा आऊगा सहारा सानू देन लई तेरे बिना होर मालका कौन आऊगा मंज तार चुक नार बेड़ी लग जाए ओ मंज तार चुक नार बेड़ी लग जाए रहमता जे होन तेरिया इक तकिया तकिया आसरा तेरा होर सबे ढाइया ढेरिया इक तकिया गे अर्थ सुनाउंदे कर गीता दे अन्ने देखे लाल जाड़ दे थोड़ी दया तो दाता जी कई पिंगले देखे ने पहाड़ चढ़ दे थोड़ी दया तो दारे आया नू लगावो कंठ स्वामी हुण का तो लाइया देरिया इक तकिया
ਟੱਕਿਆ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸੱਪੇ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਗੰਗਾ ਵਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋ करो किरपा जो गंगा वगे नाम दी दल ओदे बिच रंगीए सेवा करिए करिए जी गाके दरबार दी होर ना कोई मंग मंगीए सेवा करिए हुण पहलियां खोला मियां च तारो ना होया होनिया बथेरियां इक तकिया तकिया आसरा तेरा होर सबे ढाइया ढेरिया इक तकिया एह दर सच्चा गुरां दा द्वारा खाली ना सवाली मुड़दा जेड़ा आ गया ओ मन चाया पा गया कुबेर कोले की थोड़दा जेड़ा आ गया हो जे कर पाजी दे ते ओनी डोलदा हो जे केरे पाजी दे ते ओनी डोलदा लखा चुलन हनेरियां इक तकिया तकिया आसरा तेरा होर सबे ढाइयां ढेरियां इक तकिया रब दा प्रीत जाने दुनिया गुरु गोबिंद सिंह जी लखा डुबदे लगा के चप्पू नाम दा पार करे पाव सिंध सी लखा डुब दे साड़ी बारी भी दया दे कारी आहबो केड़ी गलों अखा फेरिया इक तकिया तकिया आसरा तेरा होर सबे ढाइया ढेरिया इक तकिया जलंधर जिले दे फलौर शहर दे नेड़े नगर माऊ साहब है ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖੱਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਜਾਓ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਯੋਗ ਵਰ ਟੋਲ ਕੇ ਆਓ ਆ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜੋ ਸਗਨ ਕਰੇ ਆਇਓ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਜੂ ਬਾਰੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਨ ਤੇ ਆਜੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਗਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਵਨ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈਏ ਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗਨ ਕਰਤਾ ਸਗਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮਾਹੋ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਮਾਹੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਵੀ ਕਰੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਖੱਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਉਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 22 ਹਾੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ
ਟਿਕਾਉ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਲੋਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਆਰੇ, ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬਲਹਾਰੇ, ਮਾਲਕ ਤਰ ਲੋਕੀ ਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ, ਪਾਨੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਜ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਦਰ ਆਏ ਸਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੈਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਭਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਜ ਨਿਰਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਾਲੇ, ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਹੇ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ, ਸੰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟੁਕੇ ਜਹਾਨੀ, ਭਾਈ ਮੰਜ ਤੇ ਸੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਥ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਾਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੜਿਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸੰਸਾਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ ਕਰੇ ਤਨ ਤਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨਗਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਧਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ, ਤੁਰ ਪਏ ਬਰਾਤੀ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਦੇ ਬਾਣੇ, ਇਉਂ ਸੱਲਣ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਤੈ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਾਂਟਨ ਬੇੜੀ ਸਾਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ, ਜੰਜ ਪੰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ। ਟਿਕਾਉ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੂਰੀ ਬਰਾਤ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੱਲੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਮਾਹੋ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਹੋ ਨਗਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਬਿਲਗੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਉਦੋਂ 7 ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਾਤ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1-2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਰੁਕੇ, 3ਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
नगर निवासियों की सेवा तो खुश हो के महाराज जी उन्होंने अपने कीमती वस्त्र भेंट करते ने। महाराज जी ने जान लग्या ने उन्होंने अपना बटुआ रुमाल चंदन की वह चौंकी जिदे उत्ते बैठ के महाराज जी ने इशनान किया सी। सेली कुर्ता पजामा पल्लू अते कीमती माला उन्होंने नगर निवासियों भेंट की। यह सारा समान अजे भी नगर बिलगे दे विच गुरद्वारा साहब विखे सांभिया पिया संगता दर्शन दीदारे करके अपने जीवन नूं सफल बनाउंदियां ने। जान लगे महाराज जी नूं नगर निवासी गल च पल्ला पा के कहिंदे महाराज जी आप जी गुरु नानक देव महाराज जी दी गद्दी दे वारस हो। साडे नगर दे विच नुकसान बहुत हुंदा, पिछले बहुत समयां तों हरेक साल साडे नगर विच अग लगदी आ, अग बहुत ज्यादा नुकसान कर दिंदी आ। जेकर आप जी साडी सेवा तो खुश हो ता कृपा करो सानू बरदान दिओ कि अगे वास्ते नगर विच अग नहीं लगेगी। पर महाराज ने कहा प्यारिओ इह तां भगतां दे वचन ने, अग तां लगदी रहेगी। साडी कीती होई नूं भगत बदल सकदे ने पर भगतां दी कीती नूं असीं नहीं बदल सकदे। अग तां लगदी रहेगी पर असी नगर निवासियों बरदान दिने कि अज तो बाद इस नगर च जिहड़ी अग लगू वह नुकसान नहीं करेगी। नगर निवासी दसदे ने हरेक साल अग अजे तक लगती है पर महाराज जी का पवित्र आशीर्वाद वह अग कोई नुकसान नहीं करती। महाराज जी तुरन लगे नगर निवासियों नाले तो अपनिया चीजा देंदे ने आशीर्वादा नाल जिवें नवाजदे ने ओ सारी वार्ता प्रीत सलन तक विसरी जथा है। इउं कहिंदा बिलगे तो जदों जानदी आ कर दे गुरु त्यारी ने हथ बन के अर्ज गुजारी संगत आ सारी ने साडे लई रहमत दा बनया आए सी पान गुरु संगत पिंड बिलगे दीनू दिंदे बरदान गुरु संगत पिंड बिलगे दी बाजो अग लगन देना सुका कोई साल गया गिणती तो बाहर अग दी पेटा हो माल गया दसिए की चढ़े बरस अग कर दी नुकसान गुरु संगत पिंड बिल गए दिनों दिंदे बरदान गुरु संगत पिंड बिल गए दिनों पामे अज सत कुलियां इन्ना बसथार हो सतसंग ते सिमरन थोड़ा संगता नाल प्यार हो रहणगे सदा थोड़े ते तुठे मेहरबान गुरु संगत पिंड बिलगे दीनों दिंदे वरदान गुरु संगत पिंड बिलगे दीनों अकबारे बचन कहे जो ओ बिना भेल होने करू नुकसान कोई ना अग दे भी खेल होने कीते होए भगतां देना मोड़ दे बयान गुरु संगत पिंड बिलगे दीनों दिंदे बरदान गुरु संगत पिंड बिलगे दीनों ओ चंदन दी चौंकी बटुआ सेली रोमाल जी कुर्ता पजामा पल्लू माला कमाल जी हथी दो शाला अपने दिंदे सन्मान गुरु संगत पिंड बिलगे दीनों दिंदे वरदान गुरु संगत पिंड बिलगे दीनों रब नो बस कर लिया पाके प्रेम दिया डोरा ने रज रज के साथ माणिया चन्न दा चकोरा ने दाता दिया चढ़िया लाके हुंदे रिवान गुरु
संगत पिंड बैल गए दिनों दिंदे प्रदान गुरु संगत पिंड बैल गए दिनों कच्चियां सतकुलियां बनिया चोटियां हेम दिया तार दे संगत नू पा नजरा प्रेम दिया सलन मकसूद वालिया आपे भगवान गुरु संगत पिंड बैल गए दिनों दिंदे वरदान गुरु संगत पिंड बैल गए दिनों महाराज कहिंदे संगत जी अज भावें बिलगा नगर सतकुलियां दे रूप चा पर समा आवेगा बहुत ज्यादे विस्तार होवेगा महाराज जीयां दे आशीर्वाद सदका अज बिलगा नगर आले दुआले दे सारे नगरां नालों वड्डा है पिंड विच सत पत्तियां ने अते सत दरवाजे ने चंगे शहर जिड्डा नगर आ महाराज जी उत्थों बरात लैके रवान हो गए माहो नगर वल नूं माहो नगर च पहुंचे सारा नगर नगर तो बाहर एक जगह इकट्ठा होया सी क्योंकि उन्हां समयां दे विच किसे दी लड़की दा ब्याह हुंदा सारा नगर अपने बित अनुसार योगदान पाउंदा ब्याह दे विच कम धंधा करदे सारा नगर इकट्ठा होया सी खत्री किशन चंद जीयां दी लड़की गंगा दी शादी हो रही आ गंगा एक भाग दिमाग वाली लड़की आ ओनूं ब्याहण लई कोई अमीर घराने दा लड़का आवेगा बरात दे दर्शन करन लई नगर दे पतवंते लड़कियां बीबियां भैणां सारे एक जगह पहुंचे सी बरात आई पर जदों नगर वालियां ने बरात दे दर्शन कीते हैरान हो गए ओह सोचदे सी गंगा नूं ब्याहण लई किसे अमीर साहूकार दा कोई सुंदर लड़का आवेगा पर इह तां सारे संत लोक गंगा नूं ब्याहण लई आ गए ब्योले ने भी संतां वाला बाणा पाया होया गुरु ज्ञान तो सखणे ओह माहो नगर दे वासी जिवें विचारां करदे ने ओह कविसरी जथे कोलों आप जी है इहो सुणो जी करके दर्श बरात दे पिंड वाले गल्ला लग पे करन नियारियां ने गल्ला लग पे करन नियारियां ने साडी पुत्री फुल्लां तो सोहल गंगा साडी पुत्री फुल्लां तो सोहल गंगा दे गे भाग बेचारी दे हारियां ने दे गे भाग बेचारी दे हारियां ने कृष्ण चंद जी खत्री भगत बंदा तियां रखियां जान तो प्यारियां ने तियां रखियां जान तो प्यारियां ने गंगा हीरो होए देस दे चानण तो गंगा हीरा है जिस दे चानण तो रोशन होना सी महल अटारियां ने रोशन होना सी महल अटारियां ने अल्लाह चौधरी कहे फरोज ताई अल्लाह चौधरी कहे फरोज ताई जंजे मोड़नी करे इन कारियां ने जंजे मोड़नी कर इन कारियां ने कीता धोखा है ब्राह्मणा शगन करके कीता धोखा है ब्राह्मणा शगन करके खुज पातियां जिम्मे वारियां ने खुज पातियां जिम्मे वारियां ने साधु आप ता मांगे के खान रोटी ना नाल की रिश्ते दारियां ने ना नाल की रिश्ते दारियां ने लोक लक दे लान ता देणगे जो लोक लक दे लान ता देणगे जो गल्ला
नहीं सहारिया ने गल्ला जानिया नहीं सहारिया ने नंदिया रब दी लगे ने करन पापी नंदिया रब दी लगे ने करन पापी मता होमे हंकार ने मारिया ने मता होमे हंकार ने मारिया ने प्रीत सलना साकना मूल करिए प्रीत सलना साकना मूल करिए दिल बिच बदनीतिया धारिया ने दिल बिच बदनीतिया धारिया ने गुरु ज्ञान तो सखने लोग ओए सोचन लगे कि गंगा नूं ब्याहण लई किसे शाहूकार ने आउणा सी किसे अमीर वजीर दा लड़का आउणा सी इन्हां ब्राह्मणा ने माड़ी गल कीती आ किशन चंद जी दी लड़की गंगा दा रिश्ता किसे उच्चे घराणे विच करन दी बजाए संतां महापुरखां दे लड़कियां नूं करे आए ओ नगर वाले भी मजबूर सी अपनी सोचनी तो क्योंकि उन्होंने कदे सत्संग नहीं सी कीता कदे गुरु दे चरणा विच नहीं सी गए सूरज दी रोशनी दी उल्लुआं नूं सारना ओ की जाने ज्ञान जी दा गुरु नाल प्यार ना ओ नगर दा चौधरी फिरोज शाह कहिंदा कि जो मर्जी हो जावे ब्राह्मण जिहड़ी गलती करे आए हुण आपां गंगा दा रिश्ता इन्हां संतां नाल नहीं करना अल्लाह चौधरी नूं बुला के फिरोज चौधरी कहण लग्या कोई एहो जी तरकीब सोचो जिहड़ी बरात वापस मुड़ जावे आपां नूं गंगा दा निकाह गंगा दे फेरे इन्हां संतां नाल ना करने पैण पर पिंड दे पतवंते सज्जण कहिंदे चौधरी साहब आपां सद्दा पत्तर दे के सगन दे के बरात नूं बुलाया वापस भी नहीं मोड़िया जा सकता कोई ना कोई कारण तां बणे जिहदे करके आपां बरात वापस कर दईए ओ तेज दिमाग वाले चौधरी जिवें बरात हद दिलां नूं खुश रखे जेकर प्यार होण तां होण ऐसे जीदी याद सतावे हर वेले जे दिलदार होण तां होण ऐसे जीदे दर तो मुड़े ना कोई खाली जे दतार होण तां होण ऐसे सांझे सबना दे दरबार सिंगा जे अवतार होण तां होण ऐसे जे अवतार होण तां होण ऐसे जीम जिन्ना ने इश्क दा जाम पीता देखे जंगलां बिच खुआर हुंदे जेकर चा महबूब नूं वेखणे दा देखे सूलियां उपर सवार हुंदे कई बिक गए कई ने पाठ चोखे सहे सीस ते मौत दे वार हुंदे इन्ना आशकां नूं दरबार सिंगां पहला मर के पिछों दीदार हुंदे पहला मर के पिछों दीदार हुंदे चौधरी फिरोज अते अल्लाह दोनों जणिया ने सलाह बनाई कि आपां गंगा दा रिश्ता हुण इन्हां संतां नूं नहीं देना उन्होंने पिंड दे पतवंते सज्जणा नूं एक जगह इकट्ठा किया सलाह की कि बरात वापस आपां ने खाली मोड़नी आ पंचायत ने खत्री किशन चंद जी नूं बुला लिया सारी गल समझा के कहा किशन चंदा जे तां तूं पिंड दे विच रहना चाहुंदा फिर तां भाईचारे दे नाल रहना पवेगा जिवें भाईचारा कह रहा मनना पवेगा बरात नूं वापस मोड़ना क्योंकि तेरी लड़की गंगा एक हीरा है इन्हां संतां दे पल्ले नहीं पैण देना जे तेरी लड़की दा रिश्ता इन्हां संतां नूं देता सारे इलाके दे लोक लाणतां पाउणगे असीं चौधरी बाहर अंदर जांदे रहिंदे आ लोक कहणगे ब्राह्मण जो करे आए इन्हां चौधरियां तों वी कुछ ना सरिया
खत्री किशन चंद जी ने गल च पला पा लिया। कहते चौधरी साहब जे तुसी चाहुंदे हो कि बरात वापस जावे भला मैनू की उजर हो सकता, मैं तां भाईचारे दे नाल रहना, पर बरात नू सगन दे के बुलाया, सद्दा पत्र दे के बुलाया, पहला अपने ब्राह्मण गए ने उन्हां नू बुला के आए ने, फिर बरात आई आ, इन्ने सगना नाल बुलाई बरात नू वापस किवें मोड़िए, कोई कारण तां होवे। ओ चौधरी कहिंदे कारण असीं बना लांगे। एक तेज दिमाग वाला आदमी वो कहिंदा कारण तां मेरे कोल आ, जे चौधरी चाहुण तां अजमा भी सकदे ने बरात वापस जावेगी। अल्लाह चौधरी कहिंदा दस की कारण आ तेरे कोल। वो कहिंदा आ जिहड़ा सत्थ विच जंड दा दरख्त खड़ा, इहनूं धरती तों 2-3 फुट उपरों बढ़ा लो, बढ़ा के मिस्त्री नूं बुलाओ, तेसे दे नाल इहनूं कीले दी शकल बना दिओ, जाके कहो बरात वालिआं नूं कि ब्योला घोड़े दे उत्ते चढ़ के हथ दे विच नेजा फड़ के नेजे दे नाल आ कीला पुट्टे, जेकर कीला पुट्टिआ गिआ फिर तां फेरे होणगे, नहीं बरात वापस जावेगी। ना तां कीला पुट होवे ते ना असीं गंगा दे फेरे करिए। सारिआं नूं स्कीम जच गई। फिरोज चौधरी कहिंदा हुण स्कीम इह पास होगी, ना तां कीला पुट होवेगा ना फेरे कराउणे पैण। चौधरी चुस्त बंदे कट्ठे हो के उस जगह चले गए जिथे बरात रुकी सी। इधर मिस्त्री नूं कह गए साडे आउण तक जंड वढ़ के कीले दी शकल बना दे। ओ चौधरी कट्ठे हो के बरात दे कोल जाके बाबा बुढ़ा जी नूं कहिंदे ने कि अर्जन देव जी नूं साडे नाल भेजो, साडे पिंड दा रवाज आ जिहड़ी भी बरात साडे नगर खेड़े आउंदी आ पहला ब्योला घोड़े दे उत्ते चढ़ के सज्जे हथ दे नाल नेजा फड़ के ओ कीले नूं पुटदा, जे तां कीला पुटिया जावे फिर तां फेरे हुंदे ने, नहीं बरात वापस जांदी आ। अर्जन देव भी साडे नाल चलण, घोड़े दे उत्ते चढ़ के सज्जे हथ विच नेजा फड़ के कीला पुटण जिहड़ा सथ दे विच खड़ा, जेकर कीला पुटिया गिआ फिर तां फेरे होणगे, नहीं बरात वापस लजानी पवेगी। ओ पिंड दे चौधरी मनमुख बंदे जिवें बाबा बुढ़ा जी नूं ते सारी बरात नूं कहिंदे ने, ओ मेरे साथी तजिंदर सिंह ते गुरमीत सिंह हे इहों दसदे आ। पिंड दे मोढ़ी चुस्त बंदिया एक स्कीम बनाई, शर्त रखो कोई ऐसी जन तो जावे नहीं पुगाई। ओ बढ़ के जंड बनाया किला, देसे दे नाल करके नेजे दे नाल पुट्टे किला, ब्योला कोड़े चढ़ के होटला एक बना के सारे कोल बरात दे आए, दिल दे खोटे बोलन मिठा गल विच पल्ले पाए। ओई आखण असी बेनती कर दे नीमी थां ते खड़ के निज दे नाल पुट्टे किला, ब्योला कोड़े चढ़ के। जद भी कोई बरात असांदे नगर खेड़े आंदी, किला पुट्टे लाड़ा पहला फेरे फेरे कराउंदी। ओ चढ़ कोड़े ते निज ताई, चढ़ कोड़े ते निज ताई, सज्जे हथ विच फड़ के निज दे नाल पुट्टे किला, ब्योला कोड़े चढ़ के। दिवसी अज दा पागा भरिया कैण मसा है आया, पूरे करने शगन आसाने रहे ना कोई बकाया। ओ छेती चलो टाइम लाहो ना का तो बैठे दर के निज दे नाल पुट्टे किला, ब्योला कोड़े चढ़ के। अर्जन देव भी पुट्टे किला बिच साथ दे जाके, करिए छेती फेरे आपा श्री गणेश ते आके। ओ तोरनी बेटी हीरे बे
घोड़े चढ़ के रब ते पाउंदे पेपर पापी समा आ गया मंदा कुदरत दे कादर दे अगे कर की सकदा बंदा ओ प्रीत सलना बट रसीदे प्रीत सलना बट रसीदे जांदे नहीं ओ सड़के निज दे नाल पुट्टे किला ब्यौला कोड़े चढ़के निज दे नाल पुट्टे किला ब्यौला कोड़े चढ़के पिंड वाले चौधरियां दी शर्त सुन के बाबा बुढ़ा जी बहुत हैरान होए। बाबा बुढ़ा जी कहंदे जेकर थोड़े पिंड दा रिवाज सी थोड़े पिंड दी ये रस्म सी जदों तुहाडे ब्राह्मण रिश्ता करन गए उदों तुसी दसना सी। पर चौधरी कहंदे महाराज जो कुछ हो गया पहला हो गया हुण रस्म रिवाज निभाउणे भी जरूरी ने। कोले खड़े सी घट घट दी जानण वाले पंजवें सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां पापियां दे दिलां दी रमज जाणगे। उन्हां चौधरियां नूं पंजवें सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे बई चौधरी साहब पिंड वालियां ने तुहानूं मुखी बनाया पिंड दी भलाई खातर के पिंड दा भला करो पर तुसी पिंड वालियां दी बेड़ी दे विच बट्टे पा रहे हो। असी तुहाडे दिलां दी जाणगे कीला पुट्टणा ते इक बहाना है थोड़े दिल विच इरादा कुछ होर आ तुसी अपना इरादा प्रगट कर दो वैसे कीला असी अपने हथ नाल नहीं पुट्टना क्योंकि साधु जन किसे दियां जड़ां पुट्टदे नहीं साधु तां जड़ां लाउंदे ने। तुसी संत जनां नूं मखौल कर रहे हो संतां दा तमाशा करन दा बहुत भारी नुकसान बहुत भारी फल अक्सर भुगतना पैंदा। द्वापर विच जादवां ने द्रवासे नूं मखौल कीता सने कृष्ण भगवान दे सारे जादवां नूं दुख भोगने पए तुहाडी गलती दा फल हो सकदा नगर वालियां नूं भी भुगतना पवे। महाराज कहिंदे चौधरी ओ कीला पटाई दा नहीं कीला गडाई दा साडे कोलों कोई दरख्त लवाओ कोई कीला गडाओ तां गल बणदी आ पर जिहड़ा कीला जां जिस दियां जड़ां संतां ने पुटतियां ओनू तिन्नां लोकां च किसे ने नहीं चलना। मेरे दतार सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज नगर दे चौधरियां नूं जो कह रहे ने ਉਹ ਮਕਸੂਦੜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਲਣ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਓ ਜੜ ਕਾ ਪਟਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜੜਾਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਕਾ ਪਟਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜੜਾਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਭਾਲਾ ਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਡਬਾਉਂਦੇ ਕਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂਝੇ ਤਾਰਦੇ ਧਾਰੀ ਬਾਦ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਧਾਰੀ ਬਾਦ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਸਮ ਸ਼ਗਨ ਆਉਂਦੀ ਯਾਦ ਬਿਨਾ ਕੂੜ ਸਾਰੇ ਰਸਮ ਸ਼ਗਨ ਆਉਂਦੀ ਯਾਦ ਬਿਨਾ ਕੂੜ ਸਾਰੇ ਰਸਮ ਨਿਭਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰਦੇ ਜੜਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਜੜਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨਾ ਜੜਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਜੜਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨਾ ਪੱਟ ਦੇਣ ਸਾਧੂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਮਾਨ ਫਾਲੀ ਪਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਮਾਨ ਫਾਲੀ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖੜੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਹੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਹੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਦਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੱਲਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਆਖੇ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੀਮੀ ਪਾ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਪਰ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਗੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀਓ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਸਾਧੂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਭਲਾ ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕੀਲਾ ਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜੜਾਂ ਪਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੜਾਂ ਪੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨੇਜਾ ਕੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜੰਡ ਦਾ ਕੀਲਾ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕੀਲਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਲਾ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੋ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀਓ ਕੀਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਗੁਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਥ ਚੋਂ ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਂਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਹਰਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਰੁਕੀ ਬੀਬੀ ਹਰਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ
उन्होंने कलयुगी जीवां ते को उपकार कीता। पहले युगां विच जे कोई इंसान चंगा कर्म करता उहदा फल उहनां दी कुल नूं मिलदा, जेकर कोई माड़ा कम करता उहदा नुकसान सारी कुल नूं हुंदा। बीबी हरहां कहिंदी गुरु जी, गुरु नानक देव महाराज जी ने कलयुगी जीवां ते इह उपकार कीता कि कलयुग विच जिहड़ा नाम जपेगा उहदा महत्व भी उसे नूं मिलेगा, जिहड़ा माड़े कर्म करेगा उहदा फल भी उसे नूं भुगतना पवेगा। हुण गलती तां पिंड दे चौधरियां ने कीती आ, आप जीआं दी प्रीख्या पिंड दे चौधरियां ने लई आ, पर इहदा दुख इहदा फल भुगतना पऊगा बीबी गंगा जीआं नूं। बीबी हरहां जी गल च पल्ला पा के पंजवें सतगुरां दे चरणां च अरदास करदे ने, कहिंदे ने सतगुरु जी जे तां गंगा दा है कसूर फिर तां इहनूं सजा मिलनी चाहीदी आ। गंगा दा कसूर कोई नहीं, सजा फिर किहड़ी गल दी मिलेगी। बीबी हरहां जी पंजवें सतगुरां दे चरणां च अरदास बेनतियां हे इउं करदी आ। हर हां ते गंगा आईया दोवें चल के, आईया दोवें चल के, तुरे जांदे गुरु जी दे नाल रल के, तुरे जांदे गुरु जी दे नाल रल के। ओ हर हां ने कीता हौसला कहण दा, हौसला कहण दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा। हर हां ते गंगा आईया दोवें चल के, तुरे जांदे गुरु जी दे नाल रल के, तुरे जांदे गुरु जी दे नाल रल के। ओ हर हां ने कीता हौसला कहण दा, हौसला कहण दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा। कलयुगी पात्र ने उपकार दे दिते होए बार पहले अवतार दे, दिते होए बार पहले अवतार दे। जेड़ा करू ओनू फल हक लैण दा, ओनू फल लैण दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा। बापू जी किशन चंद दा कसूर ना, मोडियां नू ओना रोके आ जरूर ना, मोडियां नू ओना रोके आ जरूर ना। ओ देवता है कोई पत्र रमैण दा, पत्र रमैण दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा। साधुआं दे संग तो परां जो वस दे, हां परां जो वस दे, मन मुख असां दे घरां जो वस दे, मन मुख असां दे घरां जो वस दे। ओ डर नस दा वे नारिका च पैण दा, डर नस दा वे नारिका च पैण दा, नारिका च पैण दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा। पापी साडे पिंड बेशुमार तार दो, पापी साडे पिंड बेशुमार तार दो, बख्श के गुरु जी दीदार तार दो, बख्श के गुरु जी दीदार तार दो। डर नस दा वे नारिका च पैण दा, नारिका च पैण दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा। पापा बुड्ढा सुन के सारे बहाल जी, हां सारे बहाल जी, कहिंदे करो तैयारी खुशियां दे नाल जी, कहिंदे करो तैयारी खुशियां दे नाल जी। ओ चारचा भरी तसलणा दे गैण दा, सलणा दे गैण दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा, दसो की कसूर भला मेरी भैन दा। बीबी हरहां दे बचन सुन के बाबा बुड्ढा जी बहुत प्रसन्न होए। बाबा बुड्ढा जी कहंदे गुरु जी, बीबी हरहां दे बचन सच हन, सच तो मुख नहीं मोड़िया जा सकता। गलती तां चौधरियां ने कीती आ, भला बीबी गंगा जी दा की कसूर आ। नाले जे उहनां दी गलती तो नाराज होके असीं चले गए फिर मनमुख किवें तरनगे। मन मुखां दे तारन कारण गुरु नानक देव जी दी गद्दी संसार ते चली आ। बाबा बुड्ढा जी दा बचन मन के गुरु अर्जन देव जी ते सारी बरात महोनगर नूं वापस तुर पी। किशन चंद जी दे ग्रह विखे पहुंच के ब्याह दी तैयारी होण लगी। आनंद कारज होए, बाबा बुड्ढा जी ने लावां दा पाठ कीता। लावां दे पाठ तो बाद आनंद कारजां दी समाप्ति तो बाद जदों सारे नगर निवासियां नूं पता लग्या
कि किशन चंद जी की लड़की गंगा की शादी गुरु अर्जन देव जी नाल हो चुकी आ। वह जड़े पिंड दे चौधरी सी उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की। वह कहिंदे गर्मी का मौसम आ, पानी की सख्त जरूरत पवेगी। किशन चंद जी नूं कह दांगे तू साडे आखे नहीं लग्या, साडे खूह तों असीं पानी नहीं भरन देवांगे। जदों पानी लैण गए चौधरियां ने जवाब देता, परोपकारी महाराज जी ने फिर माहो नगर च एक खूह भी लवाया। अजे तक जो दर्शन दीदारे संगतां करदियां ने वह खूह मौजूद है। आनंद कारजां तों बाद बीबी हरहां जी अते गंगा जी दीआं होर सहेलियां ते भैणां गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल आ गईआं। उदों जमाने की रस्म हुंदी, आनंद कारजां तों बाद ब्योली लड़की दीआं भैणां जां सहेलियां ब्योले लड़के तों छंद सुणिआ करदियां। बीबी हरहां कहिंदी, गुरु जी आप जी भी कोई छंद उचारण करो, कोई कविता सानू सुनाओ। महाराज कहिंदे, हरहां जी सब तों वड्डी कविता तां इहो ही आ कि अपने गुरु के चरणों का ध्यान धरना चाहिदा, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिदी आ। जेड़ा अनमुला जीवन सानू प्राप्त होया इहनू सफल करना चाहिदा, जेड़ा नाम के जरिए सफल हो सकता। महाराज जी ने जेड़े छंद उचारण किए वह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी विच 1361 पन्ने ते दर्ज हैं। महाराज जी बीबी हरहां नूं संदेश दिंदे ने, वह संदेश मेरे साथी गुरमीत सिंह पनोहड़ तजिंदर सिंह लुधियाणा दीआं आवाजां विच है, इउं सुणो। हो लख 84 जून पिछों बेड़ा हथ आउंदा है, बिना समझ तो मूर्ख हीरा रेत रलाउंदा है। ओ मन मुख उत्ते असर करे ना सिखिया धर्मां दी, बिना गुरु तो जी बहार दे बाजी कर्मां दी। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ नहीं आउंदा, बनके खेवट गुरु सागरों बेड़े पार लौंदा। ओ गुरु शब्द नाल टहे पहाड़ी बहिमा बरमां दी, बिना गुरु तो जी बहार दे बाजी गर्मा दी। जिना न बिसरे नाम होम दे कोटन में को, ओवड़ पागी सार जिना नो मंजल दी हो। ओ सब तो ना दी कलम पलाह की लिख दू बरमा दी, बिना गुरु तो जी बहार दे बाजी कर्मा दी। रस्म रिवाज ने झूठे सच्चे नाम बिना सारे, खुद प्रभु दा रूप हम दे प्रभु दे प्यारे। ओ इज्जत कर दे दिलों भगत जन सारे धर्मा दी, बिना गुरु तो जी बहार दे बाजी कर्मा दी। मात पिता दी बालक जेड़े सेवा कर देना, पुन दान भी करके ओ पाव जल चो तर देना। कहिंदे जेड़े ला दिंदे ने सिर तो लोई शर्मा दी, बिना गुरु तो जी बहार दे बाजी कर्मा दी। जत सत वड्डा धर्म होम दा औरत दा गहना, सचखंड मेरे त्यारे ऋषिया मुनिया दा कहना। हाँ बई प्रीत सलना भगती पिछे रह जे जन्मा दी, बिना गुरु तो जी बहार दे बाजी कर्मा दी। बिना गुरु तो जी बहार दे बाजी कर्मा दी। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे, हरहां परमात्मा ने जीव नूं मात लोक ते अपना जीवन सफल करन लई भेजिया है। जिहड़े भागां वाले जीव किसे गुरु दी शरण चले गए वह अपने जीवन नूं सफल कर लैंदे ने, बाकी करोड़ां अरबां जीव अपने जन्म नूं हार के खाली हथ वापस चले जांदे ने। ये सिख्या सानू सारिआं नूं ग्रहण करनी चाहीदी आ। असीं अपने गुरु दे चरणां विच अपना तन मन भेट करिए तां कि साडा आउणा सफल हो सके। गुरु महाराज जीआं दे ब्याह पुरब दा इन्ना प्रसंग बोलदे होए खिमां दे जाचक हां, बोलदिआं तों अनेकां प्रकार दीआं गलतियां होईआं होवणगीआं, गलतियां नूं चितारिओ उहनां संगत बख्शणहार दास प्रीत सिंह सल्लण पिंड मकसूदड़ा तहसील पैल जिला लुधियाना मेरे साथी सन गुरमीत सिंह पनोहड़ अते तजिंदर सिंह लुधियाना। बोलदिआं तों जिहड़ियां गलतियां होईआं ने उहनां लई माफ़ी बख्शो, चरणां विच लाओ
रचना करो पवित्र गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।